मोबी क्विक से पर्सनल लोन कैसे ले दोस्तों अभी आप मोबी क्विक से दो लाख रुपये तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी आप यहाँ से दो लाख रुपये तक का यहाँ पर जो है पेपरलेस के के साथ पर्सनल लोन ले सकते हैं यहाँ पर जो आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो जीरो परसेंट इंटरेस्ट पर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो अगर आप मोवी क्विक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा आज के इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपको क्विक से पर्सनल लोन लेना है कैसे आपको क्विक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे जानते हैं कि कैसे आपको क्विक से लोन के लिए अप्लाई करना है तो वीडियो को आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं और आपको लोन जो है मिलने में दिक्कत होती है क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोन अप्लाई नहीं कर पाएंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे जानते हैं तो दोस्तों मोबी क्विक से पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है मोबी कोविक ठीक है मोबी कोविक आप सर्च करेंगे आपके सामने मोबी कोविक पर्सनल लोन एप्लीकेशन जो है वो आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करना है ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मिलेगा पे लेटर का तो अभी आपको पे लेटर को एक्टिवेट नहीं करना है ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्किप का स्किप के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करेंगे अब आपका यहाँ पर जो है एक जो है आपको इसको भी कुछ नहीं करना है आपको कट का ऑप्शन मिलेगा कट के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेना है साइन अप कर लेना है तो इसके लिए आपको ऊपर में ऑप्शन मिलेगा लॉग इन साइनअप का इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और सेंड ओ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल पर एक ओ आपको सेंड किया गया है उस ओ को आपको यहाँ पर डाल देना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है अब आप ओ डालेंगे यहाँ पर आपको कंप्लीट योर के का ऑप्शन मिलेगा तो अभी आपको के नहीं करना है नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्किप के का स्किप के के ऊपर आप क्लिक करेंगे करेंगे अब आपका यहाँ पर जो है लॉगिन हो चुका है अब आपको यहाँ पर जो है लोन के लिए अप्लाई करना है अब दोस्तों यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट बना लेंगे मोबी क्विक एप्लीकेशन में उसके बाद आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा अब आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है लोन का अब मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर आपको दो प्रकार से लोन प्रोवाइड किया जाता है एक आपको यहाँ पर जो है लिमिट दिया जाता है और एक आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है तो अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लोन का सिंपली आप लोन के ऊपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि इजी ईएमआई के साथ आप दो लाख रुपये तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर आपको खाली बॉक्स का इस खाली बॉक्स को आपको टिक करना है ठीक है और टिक करने के बाद गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आधार वेरिफिकेशन का यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को जो है वेरीफाई करना है और के कंप्लीट करना है तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू के का प्रोसीड टू के के ऊपर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद दो सेकंड का आप यहां पर वेट करेंगे अब आप इस पेज पर आ जाएंगे यहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहां पर डाल देना है यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है अब आप आधार ओ डाल के अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेंगे के कर लेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ओसम awesome, योर आधार हैज़ बिन वेरीफाइड यहाँ पर आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड को वेरीफाई करना है तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा इंटर योर पैन नंबर का इसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई का वेरीफाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है अब आप पैन कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक टेके सेल्फी का इस पर क्लिक करके आपको अपना एक सेल्फी अपलोड करना है जिससे आपका जो के वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेक ए सेल्फी का इस पर क्लिक करके आपको एक सेल्फी यहाँ पर अपलोड कर देना है अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको अपना ये ऑप्शन मिलेगा इंटर फादर्स नेम का यहाँ पर आप, आप आपको अपना पिताजी का नाम डाल देना है यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डाल देना है और सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आएगा और आपका जो लोन अप्रूव्ड हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मुझे यहाँ पर जो है मेरे डिटेल्स पर पैन कार्ड डिटेल्स पर मुझे चालीस हजार रुपये का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है मोबी क्विक एप्लीकेशन की तरफ से और यहाँ पर जो आपको जो लैंडिंग पार्टनर होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और ऊपर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका जो लोन अप्रूव्ड हुआ है तो यहाँ पर आपका जितना लोन अप्रूव्ड होगा उतना लोन आप यहाँ पर बैंक में ले सकते हैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरा जो चालीस हजार रुपये का लोन यहाँ पर अप्रूव्ड हुआ है अब आपको इस लोन को बैंक में लेने के लिए यहाँ पर आपको एक खाली बॉक्स मिलेगा इस खाली बॉक्स को आपको टिक करना

अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन एन ए सी एच विथ नेट बैंकिंग यानी कि आपने जो बैंक अकाउंट डाला है उस बैंक अकाउंट का नेट बैंकिंग को एन से साइन अप करना है तभी आपका लोन जो अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा साइन इन एन ए सी एच विथ नेट बैंकिंग का इस पर इसके ऊपर आप क्लिक करके अपने नेट बैंकिंग को यहाँ पर जो है एन एस सी एच के साथ जो है साइन अप कर लेंगे अब यहां पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और यहां पर आपका पर्सनल डिटेल्स ऑफर और बैंक वेरीफाई कर लिया गया है यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो प्रोग्रेस में है यानी कि आपका एप्लीकेशन जो यहाँ पर सबमिट हो चुका है यहाँ पर आपका जैसे ही आपके अकाउंट को वेरीफाई कर लिया जाएगा यानी कि आपका जो लोन अमाउंट है वो आपको यहाँ पर जो है करीब एक दो घंटे के बाद आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा मोबीक्विक की तरफ से और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख पा रहे लोन एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अभी इन प्रोग्रेस में है तो इस प्रकार से आप मोबीक्विक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन ले सकते हैं अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वही प्रोसेस आप करेंगे आपका लोन यहाँ पर अप्रूव्ड हो जाएगा और अप्रूव्ड होने के बाद यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोग्रेस में रहेगा कुछ टाइम बाद आपका जो लोन अमाउंट है जो आपने बैंक अकाउंट डाल रखा है उस बैंक अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए